हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन होम एंड रेसिपीज़ विद नीना। मैं हूँ नीना और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ ब्रेड से बनने वाली नई मज़ेदार डिज़र्ट रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये उतनी ही टेस्टी भी लगती है। तो चलिए देखते हैं, पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है ब्रेड के 4 स्लाइस और इसके जो किनारे हैं इसको मैं काट लेती हूँ। ब्रेड के किनारे काटने के बाद अब इसे मैं ब्लेंडिंग जार में डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसे करना है ब्लेंड। तो ये देखिए ब्लेंड हो चुके हैं, ये बिल्कुल बारीक सा चूरा बनके तैयार हो गया है। इसे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। ये यहाँ पर मैंने ले ली है लगभग आधी कटोरी नारियल कसा हुआ, ये सूखा वाला नारियल है। इसकी जगह पर आप नारियल का पाउडर भी ले सकते हैं और इसे भी मैंने मिक्स कर लिया है इसके, और साथ में आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। तो इसे अब मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है जिसमें मैं ले रही हूँ 1 चम्मच देसी घी और फ्लेम को ऑन कर दिया है और लो फ्लेम पर ही इसको मैंने हल्का सा घी को गर्म किया है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये जो हमने नारियल और ब्रेड का चूरा तैयार किया है, और अब इसे मैं ना लगातार चलाते हुए कम से कम 3 से 4 मिनट तक भून लूंगी लो फ्लेम पर। तीन से चार मिनट हो चुके हैं ब्रेड को भूनते हुए, अच्छे से भून गई है। अब इस रेसिपी का टेस्ट और बढ़ाने के लिए मैं इसमें मिला रही हूँ मिल्क पाउडर लगभग आधी कटोरी, और इंग्रेडिएंट की लिस्ट आप स्क्रीन पर भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी चेक कर सकते हैं। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और लगभग आधा मिनट तक और पका लूंगी। आधा मिनट और हो चुका है और सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन में ले ली है 1 कटोरी चीनी, और जितना मैं चीनी ले रही हूँ ना उतना ही मैंने पानी ले लिया है क्योंकि मुझे बनानी है चाशनी। फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसके लगभग 5 से 6 मिनट में कंटिन्यू चलाते हुए एक तार वाली चाशनी बना के तैयार करूँगी। ये देखिए एक तार वाली चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। इसे हमें ना ज़्यादा चाशनी नहीं गाढ़ी बनानी है, अदरवाइज जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं ना तो वो काफ़ी सख्त बन जाएगी। तो हमें हल्का सॉफ्ट ही बनाने के लिए सिर्फ एक तार वाली चाशनी बनानी है। अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब जो हमने ये सारा भुना हुआ था मिक्सचर, इसमें मैं इस चाशनी को डाल रही हूँ। चाशनी एक साथ सारी नहीं डालनी है, पहले हल्की आधी डाल देनी है, उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब जो बची हुई चाशनी है उसे भी मैं मिला लूंगी, और अब मैं फ्लेम को ऑन करके इसे कम से कम 1 मिनट तक और पकाऊंगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाना है, फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, अदरवाइज ये रेसिपी बहुत ही जल्दी से जल जाती है। देखिए ये कितनी बढ़िया तरीके से मिक्स भी हो गई है और पक भी गई है, और अब ये रेसिपी बिल्कुल बनके तैयार है। तो अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ, और यहाँ पर मैं कोई भी सांचा ले लेना है जिसमें आपको इस रेसिपी को शेप देनी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके का बॉक्स लिया है, इसमें मैंने हल्की सी ऑयलिंग कर ली है ताकि जब मैं इस रेसिपी को निकालूँ तो आसानी से निकल जाए। और अब जो रेसिपी बनाई है इसे मैं इस पर सेट कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर पिस्ता है जिसे बारीक बारीक सा काट लिया है, इससे मैं इसे गार्निश कर देती हूँ। और गार्निश करने के बाद में अब इसे मैं हल्का सा सेट कर देती हूँ ताकि अच्छे से सेट हो जाए, और कम से कम इसे आधे घंटे के लिए मैं रूम टेम्परेचर पर सेट होने दूंगी। देखिए आधा घंटा हो चुका है और ये रूम टेम्परेचर पर अच्छे से बढ़िया से सेट हो चुकी है। अब इसे मैं मनपसंद शेप में काट लूँगी, तो मैं इसे ना बर्फ़ी की शेप में ही काट रही हूँ। ये देखिए ये कट चुकी है और बहुत ही बढ़िया सी हमारी ब्रेड की बर्फ़ी बनके तैयार हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, है ना कितनी टेस्टी डिलीशियस माउथ वाटरिंग हमारी डिज़र्ट रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है चुटकियों में। बहुत ही आसान है और इतनी टेस्टी लगती है ना कि आप एक बार बना करके देखिएगा। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना,
तो देखिए है ना कितनी मज़ेदार। तो देखिए है ना कितना आसान इस रेसिपी को बनाना, और ज़रूर ट्राई करिएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो उन्हें ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी रेसिपीज़, रेमेडीज़ एंड रिव्यू वीडियो आप देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।